हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं शेयर करूंगा एक बहुत ही बड़ी अच्छी न्यूज़, एक खुशखबरी रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है कि परीक्षा की ऑफिशियल फाइनल डेट्स रिलीज कर दी गई हैं और रेलवे ने अपना पूरा कार्यक्रम बना लिया है कि किस तरीके से ये परीक्षाएँ ली जाएंगी। और ये ऑफिशियल न्यूज़ है, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में 30 मई को ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है और ये पूरी तरीके से ऑफिशियल है और रियल न्यूज़ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम पूरा पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको किस तरीके से इस परीक्षा को आप पास करें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें ये भी मैं इसमें आपको बताऊंगा। तो यहाँ से हम देखते हैं, बोर्ड ने ग्रुप डी की होने वाली परीक्षा की रूपरेखा तैयार कर ली है और 5 चरणों में परीक्षा को पूर्ण कराया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है। इसके लिए अल्फ़ाबेटिकल प्रारूप में अभ्यर्थियों की सूचियां तैयार कराई गई हैं। मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो स्टूडेंट्स के जो नाम हैं, एस्पिरेंट्स के जो नाम हैं, उनको तैयार कर लिया गया है और उनके अकॉर्डिंग 5 चरणों में ये परीक्षा होगी। उसी आधार पर परीक्षाएं होंगी। पहली चरण की परीक्षा 12 अगस्त को होगी और अंतिम चरण की परीक्षा 16 सितंबर को होगी। 90,000 पदों पर 2.37 करोड़ आवेदन आए हैं। तो आप देख सकते हैं कंपटीशन का लेवल क्या है। करीब 2.5 करोड़ आवेदन आए हैं 90,000 पोस्ट के लिए। परीक्षा में बरेली मंडल के करीब 35,000 परीक्षार्थी होंगे। तो यहाँ पर आप ये सारी न्यूज़ देख सकते हैं। और नाम के आधार पर परीक्षा कार्यक्रम ये बनाया गया है, जिसमें 12 अगस्त को जो परीक्षा होगी वो A, B, T, Q, O, L, F और E, इन लेटर से जिनके नाम शुरू होते हैं उनकी परीक्षा 12 अगस्त को होगी। फिर 18 अगस्त को होगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, R, Y, H, N, इनकी परीक्षा 18 अगस्त को होगी। उसके बाद 26 अगस्त को एक स्लॉट होगा, उसके बाद 9 सितंबर को होगा, उसके बाद 16 सितंबर को इसका फाइनल एग्ज़ाम होगा। तो इस तरीके से इस परीक्षा को कराया जाएगा। मतलब 12 अगस्त से आपकी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। तो इसके लिए आप अच्छे तरीके से तैयारी करिए और अभी मैं बताता हूँ आपको कि किस तरीके से इसको आप अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। परीक्षा केंद्र के आसपास रहेंगी खुफिया टीमें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी सारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनसे कुछ लोग रिश्वत ले लेते हैं, उनको ठगी का शिकार बना लेते हैं। तो इसलिए ये गवर्नमेंट ने व्यवस्था की है कि परीक्षा केंद्र के आसपास खुफिया एजेंसी रहेंगी ताकि कोई भी किसी भी स्टूडेंट को परसुएड नहीं कर सके। रेलवे बोर्ड ने आदेश दिए हैं कि जो भी परीक्षा केंद्र होंगे उसके आसपास रेलवे और सिविल पुलिस की खुफिया टीमें भी रहेंगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिससे युवाओं के परिजनों को कोई नौकरी के नाम पर ठगी का शिकार ना कर सके। तो ये एक अच्छी चीज़ है। सूत्र कहते हैं, परीक्षा से जुड़े जो भी अधिकारी होंगे उनके फ़ोन नंबर भी सर्विस लांस पर लगाने की तैयारी है। 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा। रेलवे बोर्ड ने अभ्यर्थियों के आवेदनों की डाटा फीडिंग के साथ साथ एडमिट कार्ड जारी करने की तिथियाँ भी निर्धारित कर ली हैं। परीक्षा से 10 दिन पहले rrbrailway.com पर जो एडमिट कार्ड होंगे वो अपलोड होंगे, वहाँ से आवेदक एडमिट कार्ड निकाल सकेंगे। rrbrailway.com, यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा। रिश्वत मांगे तो करें फ़ोन। किसी को भी रिश्वत नहीं देना है आपको। रेलवे की परीक्षा में आपको अपनी योग्यता के आधार पर ही चुने जाएंगे, इसलिए किसी के भी झांसे में ना आए। तो इसलिए ये स्टूडेंट को ध्यान रखना है, दलालों के चक्कर में ना पड़े। भ्रष्टाचार मिटाने को हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराएं, 0551-155-210 ये नंबर है। यदि कोई आपसे रिश्वत मांगता है तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और दलाल को आप पकड़वा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम में निश्चित सफलता आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जितने भी किसी भी अच्छे पब्लिकेशन हाउस के आप प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, इसके लिए अरिहंत के ले सकते हैं, दूसरे किसी भी पब्लिकेशन हाउस के अच्छे प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करें। इसमें आपको साइंस पर ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि साइंस के क्वेश्चन इसमें ज़्यादा आएंगे और साइंस में भी फिजिक्स के क्वेश्चन जिनका डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है वो इसमें ज़्यादा पूछे जाएंगे। फिजिक्स के और साइंस के क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं। करंट अफेयर्स का आप मान सकते हैं कि 40% पार्ट इसमें करंट अफेयर्स का पूछा जाएगा और करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए आप कोई भी अच्छा न्यूज़पेपर, भास्कर है, दैनिक जागरण है, कोई भी अच्छा न्यूज़पेपर रेगुलर बेसिस पर पढ़ें और उसके आप अपने नोट्स बनाते रहें और प्रैक्टिस सेट आप रेगुलर बेसिस पर दें। इस ऐसा यदि आप करते हैं तो इस परीक्षा को आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि 12 अगस्त इसके एग्ज़ाम शुरू होंगे और 16 सितंबर तक इसके एग्ज़ाम चलेंगे। और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप अपना देख सकते हैं कि किस नाम से
किस लेटर से आपका नाम शुरू होता है और उसी लेटर के अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पर ये 5 चरणों में इसका एग्ज़ाम होगा और ये न्यूज़ जो है ये पूरी तरीके से ऑफिशियल न्यूज़ है। ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में, हिंदी का जो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर आता है उसमें 30 मई की ये न्यूज़ है और ये ऑफिशियल न्यूज़ है। तो इसको देख के आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को एक दिशा दे सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।